Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में Vastu, Astrology, Numerology और Tarot के classes conduct होते हैं. ये video बन रहा है आपको बताने के लिए कि कैसे आप Vastu, Crystal और Numerology से अपना depression ठीक कर सकते हैं. Depression क्यों होता है? क्योंकि same thoughts हमें बार बार आ रहे होते हैं. Vastu में जो thoughts हैं उनको वायु से connect किया गया है. हमारा जो शरीर है उसमें पांच तत्व होते हैं, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वायु तत्व है. अगर वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें डिप्रेशन होता है. उसका कनेक्शन वास्तु से है. अगर हमारे वास्तु में वायु एलिमेंट इम्बैलेंस है तो कहाँ न कहाँ स्टैग्नेशन होता है, कहाँ न कहाँ सेम थॉट्स आते हैं और न्यू थॉट्स नहीं आने की वजह से डिप्रेशन होता है. तो वायव्य कोना, जिसको नॉर्थ वेस्ट कोना कहा गया है, वो वायु तत्व का रहता है. वहां पर मून प्लैनेट रिसाइड करता है और हम मून प्लैनेट को बैलेंस करके या फिर मून प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करके और वायु तत्व को बैलेंस करके हम वायव्य कोने को बैलेंस जब करते हैं तब हमारा डिप्रेशन दूर होता है. वायु मीनिंग आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं. सो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से आती है. तो इसीलिए वायु को वनस्पति भी कहा गया है. और यहाँ पर हम देखेंगे क्रिस्टल्स यूज करके हम डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं. सफेद कलर का क्रिस्टल जो वायु को रिप्रेजेंट करता है, इसे घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने से डिप्रेशन दूर होता है. इसे रॉ शेप में भी यूज कर सकते हैं सफेद कलर के क्रिस्टल्स. इसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है. और सफेद कलर का ट्री है या फिर सफेद कलर का टॉवर है, उसे यूज कर सकते हैं क्रिस्टल्स का. और सफेद कलर का आप बुद्धा, क्लियर क्वार्ट्ज का बुद्धा भी आप यूज कर सकते हैं. और इनका जो नंबर है वो दो होने चाहिए. जैसे ये दो पेंसिल्स हैं तो दो मून को रिप्रेजेंट करता है, या फिर दो मून स्टोन के कैबुशंस. मून स्टोन का आप पेंडेंट या ज्वेलरी बना के भी यूज कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे रफ शेप में भी यूज किया जा सकता है. दो पिरामिड्स भी वायव्य कोने में रखने से आपका डिप्रेशन दूर होता है. और दो स्कल्स रखने से वायव्य कोने में, जिस पर्सन ने भी आपको डिप्रेशन दिया है उसको विजुलाइज करना है तो वो आपको स्ट्रेस देना कम कर देगा. व्हाइट कलर का लैम्प भी आप रख सकते हैं. व्हाइट कलर के मसाजर्स हैं वो यूज कर सकते हैं. सेलेनाइट, जिसे चंद्र की क्वीन कहा गया है, उसे भी वायव्य कोने में रखने से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं. सफेद कलर का क्रिस्टल बॉल और मून स्टोन के छोटी जो ये कैबुशंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं. इसे दो ग्यारह या बीस क्वांटिटी में यूज करना होता है. और ये मून क्लियर क्वार्ट्ज के टंबल्स हैं, इसे भी दो ग्यारह या बीस क्वांटिटी में या 29 आप इसे यूज कर सकते हैं. इसको एक बाउल में रखना होता है घर के वायव्य में, या फिर आप ये दो क्रिस्टल माला वायव्य में लगाते हैं. और यू कैन पुट टू क्रिस्टल पेंसिल्स एज वेल. मून स्टोन के टम्बल्स का सबसे अच्छा रिजल्ट देखा गया है. इसे भी आपको 2, 11, 20, 29 की फिगर में रखना होता है, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाता है. और ये जो मसाजर्स हैं, इसे सफेद कलर है, इसका वायु का कलर है, इसे आपके हथेली पे रब करना होता है. इसे आपके हथेली पे रब करने से भी आपका डिप्रेशन कम होता है. और आपको कभी भी वायव्य कोने में बैठकर कोई काम नहीं करना होता है. जो नॉर्थ वेस्ट कोना है वो सबसे अच्छा मेडिटेशन के लिए है. वहां पर आप हर्ब्स यूज करते हैं, उससे भी आपका डिप्रेशन कम होता है. थैंक यू.